स्वागत है आपका एसजी ब्रो के इस चैनल में। मैं बोल रहा हूँ एसजी फ्रेंड, जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पे मैं देने जा रहा हूँ इन दोनों क्रीमों का वर्सेस करने जा रहा हूँ और आपको बताऊँगा इन दोनों में से कौन सी क्रीम है ज़्यादा अच्छी और कौन सी क्रीम है ज़्यादा फायदेमंद आपकी स्किन के लिए। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिएगा और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को बजाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि मेरे आने वाले नेक्स्ट वीडियो को आप सबसे पहले देख पाएँ। तो दोस्तों शुरू करते हैं इन दोनों क्रीमों का वर्सेस और आप प्लीज़ लास्ट तक जरूर देखे रहिएगा, ये आपके फ़ायदे के लिए है। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा न्यू क्लोबिनेट जीएम के बारे में। दोस्तों इसमें जो केमिकल्स हैं बहुत ही हार्ड केमिकल नहीं है, ये आपकी स्किन से एक्ने पिंपल्स को हटाते हैं और चोट वोट लग जाती है वहाँ पे भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं, दाने फोड़े फुंसी में भी आप इसका यूज कर सकते हैं। इसमें मेन इंग्रेडिएंट्स पहले हैं क्लोबेटासोल, प्रिपिनेट और माइक्रोजोल और निरीटेट और इसमें सल्फेट भी यूज़ किया गया है। जो दोस्तों जो सल्फेट होता है और जो क्लोबेटासोल होता है ये स्किन प्रॉब्लम के लिए होता है। और इसमें देख लेते हैं मेलामेट में क्या क्या यूज़ किया गया है। मेलामेट जो होती है इसमें हाइड्रोक्विनोन, ट्रीटोन और मेमेटासोम है। इस आपकी स्किन के लिए इन इंग्रेडिएंट्स के लिए ज़रूरी होता है जो आपकी स्किन से एक्ने पिंपल्स को गायब करती हैं। तो दोस्तों आज मैं इन दोनों का कंपैरिजन कर रहा हूं और आपको बता रहा हूं कि कौन सी क्रीम ज़्यादा बेहतर है, कौन सी ज़्यादा अच्छी है आपके स्किन के लिए। तो दोस्तों मैं बात करना चाहूँगी यहाँ पे मेलामेट की क्वांटिटी और इसके वेट के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे इसकी वेट है 15 ग्राम और इसका प्राइस है लगभग 85 रुपीज़। तो दोस्तों ये आप इसको किसी भी ब्यूटी शॉप या मेडिकल शॉप से आसानी से ले सकते हैं। और दोस्तों और बात करना चाहूँगा इसकी पैकेजिंग के बारे में। तो दोस्तों इसकी पैकेजिंग आपको मैं खोल के दिखा दूँ, बाहर से तो ये कॉटन पैक्ड है बट अंदर से देख लेते हैं किस तरह कैसे पैक्ड है। दोस्तों अंदर से ये प्लास्टिक पैक्ड है और इसका ढक्कन प्लास्टिक का है, ये मेटालिक बॉडी में थोड़ा सा और अंदर से सील्ड भी इसकी लॉक है। तो आप कभी भी जब क्रीम को लेने जाए तो सील्ड ज़रूर देख लिया करिए। तो दोस्तों ये क्रीम बहुत ही अच्छी क्रीम है, आपके चेहरे को पिंपल्स रिंकल्स को गायब करती बट लेकिन आप जब इसका यूज़ करें तो आप धूप में बिल्कुल मन निकले क्योंकि इसमें केमिकल्स का यूज़ किया गया है जो हाइड्रोक्विनोन, ट्रीटोन और मेमेटासोम है। धूप से रिएक्शन करके आपके चेहरे को थोड़ा बेकार कर सकते हैं, इसीलिए मैं बताऊँगा आप इसका यूज़ शाम को ही करें और किसी अच्छे फेस वॉश से मुँह धुलने के बाद ही आप इस क्रीम को लगाएँ तो आपके लिए बेहतर होगा। और बात करना चाहूँगा यहाँ न्यू क्लोबिनेट जीएम के बारे में। तो दोस्तों इसमें भी केमिकल्स का यूज़ किया गया है तो आप इसको भी शाम ही को लगाएं और धूप में बिल्कुल मत निकलिएगा। और बात करना चाहूँगा इसके क्वांटिटी और इसके वेट के बारे में। तो दोस्तों इसका क्वांटिटी है 10 ग्राम और इसकी वेट है 40, क्वांटिटी इसके 10 ग्राम और इसका रेट है 47 रुपीज़। और दोस्तों ये मार्केट में आसानी से मिल जाएगी आपको किसी भी ब्यूटी शॉप या मेडिकल शॉप पर या आप ऑनलाइन भी इसको ख़रीद सकते हैं। तो दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ इसकी पैकेजिंग भी बिल्कुल मेलामेट की ही तरह करी गई है, बाहर से कॉटन और अंदर से पॉलीथीन, हार्ड पॉलीथीन में पैक्ड है। इसका ढक्कन भी ये भी सील्ड पैक है और ढक्कन इसका प्लास्टिक का है। दोस्तों आप देख पा रहे होंगे दोनों ही बिल्कुल सेम हैं और दोस्तों दोनों ही बिल्कुल सेम चीज़ों के लिए यूज़ करी जाती है बट मेलामेट जो है थोड़ी ज़्यादा अच्छी है। तो दोस्तों आप जान ही गए होंगे कि इन दोनों में से कौन सी अच्छी, तो मेरे हिसाब से तो मेलामेट है बट इसमें हार्ड केमिकल का यूज़ किया गया। दोनों ही अच्छी है बट थोड़ी खास है मेलामेट, तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ जब आप दोनों में से किसी भी क्रीम का यूज़ करें दोनों ही आपके चेहरे से एक्ने पिंपल्स और झुर्रियों झाइयों को हटाती हैं और आपके चेहरे को गोरा बनाती हैं। तो दोस्तों आप इन क्रीमों को जब कभी भी यूज़ करें तो धूप में बिल्कुल मत निकलिएगा क्योंकि उससे साइड इफेक्ट भी आपके चेहरे पर हो सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होती होगा। तो यदि अच्छी लगी तुरंत शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को बजाना बिल्कुल मत भूलिए।